हे रेनबो फैमिली, वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ऐसे प्रोडक्ट की जिसकी हमें बहुत ज्यादा मेकअप में रिक्वायरमेंट होती है। इसके बिना हमारा मेकअप कंप्लीट नहीं है। मैं बात कर रही हूँ कंसीलर, करेक्टर और कंटूर की। और ये सारा चीज एक ही पलेट में हो तो क्या ही बात है, और जो रीजनेबल रेट में हो। तो मैं आज सेम एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ जो बहुत रीजनेबल भी है और कितना यूजफुल है वो भी आपको बताने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ इनसाइड के करेक्टर, कंटूर और कंसीलर पलेट की। तो ये दोनों पलेट मैंने यूज किया हुआ है और ये रीजनेबल भी है, और सबसे अच्छी बात है इसे कैरी करना भी बहुत अच्छा है, मतलब आप इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। तो हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इसका जो पैक है कुछ ऐसे है, गोल डायरेक्शन में आता है और ये 5 in 1 है। मतलब इसमें कॉन्टोर, कंसीलर एंड करेक्टर दिया हुआ है। डिपेंड करता है आप कौन से स्किन टोन के हो, कैसे आपको लगना है, तो आप उस हिसाब से अपना पलेट सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने सबसे पहले ये लिया था, उसके बाद में जब मुझे कुछ अवेलेबल नहीं मिला तो मैंने ये लिया, क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं जो मैं यूज कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो मेरे काम की नहीं है, वो क्यों नहीं है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगी शेल्फ लाइफ की। तो शेल्फ लाइफ इसकी है 48 मंथ आफ्टर ओपनिंग। जब आप इसे ओपन कर देते हो तो 48 मंथ तक आप यूज कर सकते हो, तो सबसे अच्छी बात वो है। और ये 15 ग्राम का है। और इसका जो कॉस्ट है, मैं डायरेक्टली कॉस्ट बता देती हूँ, बहुत लोग एंड तक बताते हैं कि हाँ हाँ वेट करवाते हैं, लेकिन मैं आपको कॉस्ट बता देती हूँ। इसका कॉस्ट है 210-220 समथिंग, और नायका एंड पर्पल से आपको अराउंड 190-180-170 ऐसे प्राइस में मिल जाएगा। और इसमें जो चीजें है ना, ये आपके टोन के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं ज्यादा ये यूज कर सकती हूँ और ये दोनों यूज करती हूँ। ये दोनों मैं यूज नहीं करती हूँ क्योंकि उतना स्किन जो है मेरा लाइट नहीं है। डिपेंड करता है आपके स्किन टोन के ऊपर, तो आपको केयरफुली सेलेक्ट करना है। वो आपके ऊपर है टोटल कि आपके स्किन पे कैसा जाएगा। तो मेरे डार्क सर्कल वगैरह हाइड करने के लिए ये सब काम आते हैं, तो मैं डार्क सर्कल, पिंपल मार्क्स, पिगमेंटेशन यहाँ पे जो होती है उसको यूज करती हूँ। और इसके बाद आपका जो मेकअप है ना, वो बिल्कुल भी क्रीज नहीं आता, बिल्कुल भी खराब नहीं होता, अच्छा रहता है। इसके बिना मेरा मेकअप कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले अगर आपने देखा होगा, मेरे मेकअप वीडियोस देखे होंगे, तो सबसे पहले मैं ये यूज करती हूँ आफ्टर प्राइमर, उसके बाद ही मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। मुझे उसके बाद स्पेशली अलग से कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास ये एक पलेट हो ना, आपका काम मतलब सेट है। और दूसरा जो पलेट है, मैं उसके बारे में बात करूंगी। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये नॉलेज होना चाहिए करेक्टर क्यों यूज होता है, कंसीलर क्यों यूज होता है और क्यों यूज होता है। तो कॉन्टर आपके जो फेस है उसको लिफ्ट करने के लिए, ये आपको फेस थोड़ा मोटा या पतला दिखाने के लिए यूज होता है कॉन्टोर। और जो कंसीलर होता है वो आपके हाईलाइट करने के लिए होता है, हाईलाइटेड पॉइंट्स। और जो करेक्शन होता है ना, कलर करेक्शन, वो होता है जैसे आपके डार्क सर्कल है तो पहले आप उसको हाइड कर दो, फिर फाउंडेशन लगाओ तब वो उठकर दिखेगा। जैसे अगर आपके पिंपल मार्क्स है तो आप पिंपल मार्क्स हाइड कर दो। किसी को रेडनेस होती है, किसी को ब्लैकनेस होती है यहाँ पे, तो उसको हाइड करने के बाद आप फाउंडेशन लगाए। आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगाओगे तो वो पॉइंट्स हाईलाइटेड ज्यादा होंगे और वहां का फाउंडेशन बहुत जल्दी मतलब डार्क होने लगेगा, तो वो पूरा हाईलाइटेड होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए कलर करेक्शन होते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर होता है ना गाइज, वो रेड पिंपल्स वगैरह होते हैं, जो रेडनेस होती है ना उस पे यूज होता है। उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई होता है। और जो कॉन्टोर के लिए ये यूज होता है, कंसील के लिए ये आप यूज कर सकते हो। पर्पल कलर मैं खुद कंफ्यूज हूँ पर्पल कलर क्यों यूज होता है। अगर मुझे पता होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, मुझे अभी फिलहाल कंफ्यूजन है तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करती हूँ। ऑरेंज कलर करेक्टर भी यूज होता है, वही पिंपल मार्क्स वगैरह हाइड करने के लिए, डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए। तो डिपेंड करता है आपकी स्किन टोन के ऊपर। तो ये चीजें यूज होती है, ये 5 in 1 पलेट है, तो ये चीज इसमें है। तो ये ना मैंने एक ही यूज किया, और ये सब मैंने ना पेंटिंग के लिए यूज किया था, तो मेरे पास कलर मिल नहीं रहे थे। तो अगर आप चाहे तो आपके पिंपल मार्क्स है वगैरह ज्यादा है तो आप इस पलेट के लिए जा सकते हो, और अगर आप सिर्फ डार्क सर्कल हाइड करना चाहते हो, पिगमेंटेशन, तो आप इस पलेट के लिए जा सकते हो। तो टोटल अप टू यू। आई होप इसका रिव्यू अच्छा लगा हो। ये 5 in पलेट है, कंसीलर, करेक्टर एंड कॉन्टोर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।